हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महेश्वर में खाद्य विभाग की कड़ी कार्रवाई, होटल और किराना दुकानों से लिए सैंपल। अभिनेता साहिल खान आए इंदौर, फरहान ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो का शुभारंभ किया। खातेगांव में भव्य श्री राम जानकी शोभा यात्रा निकाली गई, विधायक आशीष शर्मा हुए शामिल। राजगढ़ संघ के युवा स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। खातेगांव तहसील के गांव दीपगांव में भव्य श्री राम जानकी शोभा यात्रा में पधारे खातेगांव कन्नौद विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित आशीष शर्मा ने मावर मंडल अध्यक्ष अर्जुन पटेल, कमल पटेल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दीपक पटेल, नगर महामंत्री राकेश पवार, रविंद्र पटेल और गांव के सभी वरिष्ठ लोग और सभी राम भक्त उपस्थित रहे। भगवान राम के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भारत के प्रत्येक ग्राम में इस तरह की जन जागरण यात्राएं निकल रही हैं जी। अपार उत्साह भगवान राम के इस मंदिर के निर्माण के लिए भारतीय जनमानस में देखा जा सकता है जी। और हर घर से राम मंदिर निर्माण के लिए राशि मिलेगी, क्योंकि राम न सिर्फ भारत जी बल्कि दुनिया के करोड़ों नागरिकों के जी भगवान है जी। उनकी आत्मा में बसते हैं जी। इसलिए भारत के जन जन का कण कण लगकर उस राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, ये हम सब लोगों की कामना है। और इसी उद्देश्य से इन यात्राओं को भव्य रूप से गांव-गांव निकाला जा रहा है। हमारे साथ जुड़े थे खातेगांव कन्नौद विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय युवा विधायक पंडित आशीष जी शर्मा। बॉलीवुड एक्टर और यूथ फिटनेस आइकन साहिल खान ने इंदौर के फरहान ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडियो का शुभारंभ किया। जिम में फिटनेस प्रेमियों को वर्कआउट के लिए तमाम तरह की आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। कनाड़िया रोड स्थित जिम के बाहर साहिल खान की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्याओं में युवाओं का जमावड़ा लगा। साहिल खान ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया और हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। मीडिया से बात करते हुए साहिल खान ने फिटनेस सहित बॉलीवुड के कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। ड्रग के बढ़ते मामलों को लेकर साहिल खान ने कहा कि सरकार को बहुत सख्त लॉ बनाना चाहिए। आपने स्टाइल पिक्चर अगर देखी हो या याद हो, कितने साल पहले देखी? उसमें थोड़ी बहुत बॉडी थी या नहीं थी? तो बस जवाब मिल गया आपको, कितना मेहनत लगता है। 20 साल तो वही हो गए। जो लोग शॉर्टकट सोचते हैं वो तो, मैं भी सोचूं कि मुझे बहुत बड़ा अमीर आदमी बनना, मैं कोकेन बेचने लग जाऊं या, तो उसको कोई क्या कर सकता है। सब ईस्ट टू हिज ओन। भाई का डिसिप्लिन मैंने देखा है। अगर हम लोग सयाजी में थे तो फ्रूट ले रहा था कुछ, मैं मीठा खाता हूँ, आदत है मेरी, भाई नहीं खाते। मैंने उनसे बोला, मैंने आप मीठा तो बोले, मेरा 45 एज है, अभी मैं मीठा खाऊंगा फैट इतना बर्न नहीं करेगी बॉडी। तो डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी है, जो डिसिप्लिन में देख रहा हूँ। थोड़ा सा आपसे सिस्टमेटिक आंसर इसलिए चाह रहा हूँ, लोग पढ़ेंगे, आप लोग आइकॉन है, आपको लोग पढ़ेंगे, उसको पढ़ के मोटिवेट होते हैं। तो एक सिस्टमेटिक आदमी को क्या लगता है ना, जिम में गया, खूब सारा घी पी लो, मटन खा लो, खूब चर्बी चढ़ गई, तो क्या उसके लिए नॉलेज वाले ट्रेनर्स, नॉलेज वाले लोग जैसे जुनैद कलीवाला हैं, फरहान है, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में खुद ही एक आइकॉन्स हैं, तो वो उनसे सीखें, उनसे तालीम हासिल करें। अगर इनके पास समय हो ऐसे ट्रेनर्स के पास आए, मतलब अगर गूगल से सीखेंगे तो कोई कैसे पॉसिबल नहीं है। पिछले दिनों नागदा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जिसमें पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका के चलते उस पर हमला कर दिया था और घायल अवस्था में घर के बाहर पटक कर फरार हो गया था, जिस पर से नागदा पुलिस ने प्रकरण दायर किया है और महिला को इंदौर के MY अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया था। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि महिला को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जिससे कि उसकी जान को खतरा है। और रात को फोन आया था मेरे जीजा का, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे आ जाओ। सुबह में गए हम 10-11 बजे, तो रास्ते में गया, रास्ते में फोन आया कि तुम्हारी बहन घर के बाहर पड़ी है, ले जाओ इसको, कि नाक और मैंने सब काट दिया, जिंदा है। क्या कारण था, क्या विवाद होता था? क्या मालूम, विवाद का तो पता नहीं, ऐसा बोला था उसने रात को फोन लगा के।
कितने क्या करते हैं आपके जीजा? ट्रक चालक है वो। ट्रक चालक है। और कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। तो फिर इंदौर कैसे लेकर आए उनको? पहले वही पुलिस वाले लेकर आए, पुलिस वाले और न्यूज वाले पत्रकार। अब क्या चाहते हैं आप, आपकी बहन की सुरक्षा को लेकर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सुरक्षा का? उनकी जान को खतरा है अभी भी? हो सकता है जान को खतरा। महिला क्या अंग कौन से काटे थे? महिला के कौन कौन से अंग काटे थे आपकी बहन के? नाक काट दिया, स्तन काटा, एक स्तन काटा। क्या बोल? वो पहले तो वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनको पूरे मुंह पे दोनों साइड टाके आए हैं उनको, लेकिन उनकी तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक है तो वो बोल पा रही थी। वो बता रही थी कि चार नहीं छः हैं, उन्होंने पहले ये बताया था कि चार नहीं छः हैं। हमको तब पता लगा उनसे बात करने के बाद कि छः लोग हैं, और उन्होंने ये बोला है कि उनके पति को मतलब फांसी की सजा हो। उनकी मांग ये है कि उनके पति को फांसी की सजा हो, क्योंकि अगर उनका पति ये सब कर सकता है तो इससे अच्छा, वो बोल रही कि ऐसे पति होने से ना पति हो वो ही बढ़िया। और वो उनका कहना ये है कि उनके बच्चों को उनके पास दे दिया जाए, पुलिस सुरक्षा उनको मुहैया करवा दी जाए, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी हॉस्पिटल प्रशासन उनको ये देख रेख अच्छे से करे और उनके बच्चों को उनके पास भेज दे। जी महिला, ये घटना 12 तारीख की है, 12 जनवरी की, और अभी महिला यहाँ पे चार दिन से भर्ती है यहाँ पे, क्योंकि क्रिटिकल होने की वजह से महिला को इंदौर रेफ़र किया गया। और चार दिन से हमारी जो संस्था की फाउंडर है एडवोकेट नूपुर धामीजा मैम, उनके कहने पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और चार दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। महिला को सुरक्षा अभी कुछ भी इंदौर पुलिस द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है, और महिला को अपने परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। हमारे काफ़ी अथक प्रयासों के बाद महिला को अपने परिजनों से मिलने दिया गया, और हमारी नारी शक्ति एक नई पहल संस्था की यही मांग है कि महिला को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए और उसका बेहतर इलाज कराया जाए। रविवार को खाद्य विभाग की जिला टीम ने महेश्वर की होटलों और किराना दुकानों से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के नमूने लेते हुए उनकी सूक्ष्मता की जांच की। इस दौरान कई दुकानदारों और किराना व्यापारियों को पहली बार लापरवाही बरतने पर नियमानुसार उन्हें हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। वहीं नगर की कुछ होटलों पर कचोरी समोसा तलने वाले तेल को अमानक पाए जाने पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। ब्यावरा में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्राम लखनवास में पथ संचालक मंदिर प्रांगण से शुरू किया और पथ संचालन विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर प्रांगण में समाप्त किया। इस दौरान ग्राम वासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। जिला प्रचारक मोहित अग्रवाल ने कहा कि युवाओं को दृढ़ संकल्पित होना होगा, युवाओं को राष्ट्र उत्थान के लिए अग्रसर रहना होगा। अभी के लिए केवल इतना ही, बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। हर खबर की ताजा नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।